एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति आयुषो। बात करते हैं खास खबर के साथ। कल हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की वीसी में यह बात सामने आई कि सीधी जिला प्रदेश में माह जनवरी से दिसंबर 2021 के मध्य चिन्हित अपराधों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में सम्मिलित रहा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सराहना की गई कि इस अवधि में सीधी जिले में 11 निर्णित प्रकरणों में सजायाबी का प्रतिशत 90.91 रहा है। सीधी जिले के रामपुर नेकिन थाना अंतर्गत ग्राम कटोली के पास हुए सड़क हादसे में अज्ञात चार पहिया वाहन ने बाइक से जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौत हो गई है। घटना रात करीब 11 बजे की है। आपको बता दें कि दूसरे दिन मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि चार पहिया वाहन ने जानबूझकर टक्कर मारी है। जानकारी के अनुसार रात्रि के समय शख्स अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी एक चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम अजय सिंह 45 वर्ष है, जो कटोली का रहने वाला है। सीधी लोकसभा क्षेत्र की पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष रंजना मिश्रा द्वारा ग्राम बगवार से सीधी तक घर घर दस्तक देकर की जा रही है। जन जागरण पदयात्रा का आज छठवां दिवस ग्राम तितीरा शुक्लान से आरंभ हुआ। आपको बता दें कि चल रहे जन जागरण अभियान में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं की घर वापसी जारी है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।